सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए स्टार बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। किसी जानवर को देखकर के आप कैसे बता पाएंगे कि वो जानवर अंडे देता हुआ या बच्चे? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करें, मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार होगा। तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि हाउ टू टीच फैक्टर्स इन अ मोस्ट इनोवेटिव वे। तो इसके लिए कुछ नहीं, जीरो कॉस्ट टीएलएम का यूज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स को अपने स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी के साथ समझा सकते हैं, जिसमें वो कंस्ट्रक्टिविज्म अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपका जो काम है वो बिल्कुल कम होगा और बच्चे खुद ही इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए कुछ पेपर्स इस साइज के, और इस साइज के पेपर को मुझे मैश करना है और मैश करने के बाद ऐसी कुछ गोलियां बना देनी है। ठीक है, ऐसी गोलियां। तो मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ गोलियां बना रखी हैं। जैसे कि ये देखिए, तो आप फैक्टर्स अगर में पढ़ाना हो तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम आप बच्चों को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे वो गोलियां बनाए, या पेंसिल्स लें या फिर मार्बल्स लें या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर को कट करके ऐसे वो बीड्स बना सकते हैं, अपने रफ पेजेस को फाड़ के वो ऐसे बीड्स बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ बीड्स बनाने सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों को जिस जहां तक के फैक्टर्स सिखाने वहां तक के बीड्स कम से कम बने होने चाहिए। आज की वीडियो के लिए हम फोकस करेंगे कि अगर हमें 10 का फैक्टर निकालना है, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 10, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे 10 बीड्स अपने पास रखने होंगे। चलिए काउंट करके रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक्स्ट्रा इसको रख देते हैं। तो आइए, अब मेरे दोनों कुल मिलाकर के 10 बीड्स हैं मेरे पास। अब अगर मुझे फैक्टर्स पढ़ाना है तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं बच्चों को बोलूंगा इसको 1-to-1 के ग्रुप्स में बांटें। ठीक है, तो 1, 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
बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो 10 का फैक्टर है। अब आगे कोशिश करते हैं इसको दो दो के ग्रुप में बांटने के लिए, 2, 2, 2, 2 and 2। अरे ये तो बड़ी आसानी से दो दो के ग्रुप में भी बट गया, इट मींस 2 है वो भी 10 का फैक्टर्स है। अब आइए कोशिश करते हैं 10 को 3 3 के ग्रुप्स में बांटने की, 3 3 3। अरे 8 भी तो बच गया, इट मींस 3 3 के ग्रुप में हम 10 को नहीं बांट सकते, इट मींस जो 3 है वो 10 का फैक्टर नहीं होगा। आइए देखते हैं 4 के ग्रुप में बांटने की, 4 4 और 2 बीट्स हमारे पास बच जाते हैं, यानी कि 4 भी 10 का फैक्टर नहीं होगा। आइए कोशिश करते हैं 5 5 के ग्रुप में बांटने की, 5 and 5। 5 और 5 बड़े आसानी से 10 ग्रुप में बट गया, इट मींस 5 जो है वो भी 10 का फैक्टर है। और अगर 6 के बात करें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब 10 की बात करें तो 10 1 10, यानी कि 10 जो है अपना फैक्टर होगा। इट मींस अगर इस एक्टिविटी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आया कि कोई भी ऐसा नंबर उसका फैक्टर वो होगा जिसे वो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी कि 10 के केस में वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। इट मींस 10 का फैक्टर जो होगा वो 1 2 और 5 होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये एक्टिविटीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन एक्टिविटीज को छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बड़ी आसानी से एंजॉय करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी, आगे की वीडियोस में हम और भी इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।